नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से गला ख़राब था और तबीयत थोड़ी ख़राब है, और मैंने सोचा था थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद इत्मीनान से ठीक होने के बाद अगला वीडियो बनाऊँगा। लेकिन साहब, हमारे मोदी जी को चैन नहीं है। ये राहुल गांधी के तो परेशान करते ही हैं, इन्होंने हमें भी परेशान कर दिया। देखिए, अब इन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं अगले संडे से सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने जा रहा हूँ। ट्विटर छोड़ रहा हूँ, फेसबुक छोड़ रहा हूँ, इंस्टाग्राम छोड़ रहा हूँ, यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, और सब लोग बेचैन हो उठे। राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मोदी जी नफ़रत छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और विपक्ष के नेता इस पर टूट पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई, संवाद का जो सिलसिला है उसे ख़त्म मत कीजिए, बल्कि जो और हरकतें आप करते हैं उन्हें आप छोड़ दें तो बेहतर होगा। कई लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए। मैं सोच रहा था कि यार, देखते हैं संडे को मोदी जी क्या करते हैं, उसके बाद ही इस पर कोई वीडियो बनाएंगे, अपना कोई विश्लेषण करेंगे। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए मोदी जी ने, और ये साफ़ कर दिया कि वो संडे को, इस बार केवल शायद संडे को ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट दूसरों को समर्पित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महिला दिवस के अवसर पर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो उनके हैं उन पर उन महिलाओं की सक्सेस स्टोरी पोस्ट करेंगे जिन महिलाओं ने कुछ विशेष काम किए हैं, जिनका काम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिनका काम अपने क्षेत्रों में विशेष रहा है, जिन महिलाओं ने दूसरों को इंस्पायर करने का काम किया है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया अपने ट्विटर के जरिए कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं दूसरों को, वो मुझे शेयर करें, और उन सक्सेस स्टोरीज़ को मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आगे बढ़ाऊँगा। उन्होंने शायद ये एक दिन के लिए फ़ैसला लिया है। बहरहाल, बात जो भी हो, लेकिन एक इंस्पायरिंग थॉट है। और नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर है, नरेंद्र मोदी की ये जो बात है, मुझे अक्सर चौंकाती है कि उनमें दूसरे नेताओं से कुछ तो अलग है। वो कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं। दरअसल, उनके ये जो सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने वाली जो बात थी, उसे कुछ लोग इस तरीके से भी ले रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि शायद नरेंद्र मोदी जो फेक न्यूज़ और जो अफवाहें फैलाने वाली न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई जाती हैं, उनसे क्षुब्ध हैं, और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट अपने छोड़ने की बात कही थी। लेकिन मेरे मन में ये बात ज़रूर थी कि नरेंद्र मोदी, जो कि सोशल मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया में, और मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में नहीं है। अगर उनके टोटल सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें, शायद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जो पहले रहे हैं, वो इनसे ज़्यादा फॉलो की गए हैं। वरना अभी डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ हद तक नरेंद्र मोदी के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने की बात कहना तो खैर मेरे गले उतर नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सोचा है। लेकिन उन्होंने ये महिलाओं के लिए सोचा है, ये किसी ने नहीं सोचा था। कुछ लोगों का ये भी आकलन है कि नरेंद्र मोदी देश की जो अभी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए अक्सर ऐसा करते रहते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी और उनकी सरकार को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि वो दिल्ली का चुनाव हार गए थे। और कुछ विरोधी नेता तो ये भी कह रहे थे कि दिल्ली की हार का बदला बीजेपी और उनके समर्थकों ने इस हिंसा से लिया है, और ये भड़काऊ भाषण दिए, इसकी वजह से दिल्ली में हिंसा हुई थी। लेकिन मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने जो ये सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने वाला अपना ट्वीट किया था, वो उसका कोई दिल्ली हिंसा से कनेक्शन था। उन्होंने निश्चित रूप से रविवार को जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी वजह से ऐसा करने का फ़ैसला किया था, और ये बहुत अच्छा थॉट है। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपने सजेशंस भी देने शुरू कर दिए हैं
कि नरेंद्र मोदी को किन लोगों की स्टोरीज़ को शेयर करना चाहिए। इनमें वो एक बुज़ुर्ग महिला भी शामिल हैं साउथ की, जो सांप से मारने की दवाई बनाती हैं, सांप के जहर को मारने की दवाई बनाती हैं, और उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। तो कुछ इसी तरह के थॉट्स अब चलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने शायद वीडियो पोस्ट करने के लिए भी कहा है, आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स स्लाइड में, और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसके लिए वीडियो भी भेज सकते हैं, वो जो यूट्यूब के जरिए शेयर की जाएंगी। इसके अलावा ट्वीट्स और फेसबुक के जरिए वो सक्सेस स्टोरी उन महिलाओं की शेयर करेंगे। बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो इन महिलाओं को दे देंगे, कि ये महिलाएँ अपनी कोई भी बात कहना चाहेंगी तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कह सकती हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये मेरे ख्याल में दुनिया में किसी दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष ने ऐसी बात नहीं कही होगी, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा ही, महिलाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और इसके अलावा लोगों के बीच में उनकी अप्रोच बढ़ेगी, निश्चित रूप से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी। बहरहाल देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का जो जेस्चर है ये सराहनीय है और इसकी सराहना की जानी चाहिए, और मैं इसमें कोई निगेटिव चीज़ ढूंढने का पक्षधर नहीं हूँ। मेरा गला ख़राब है, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।